इसने यहाँ पर डाल दिया ट्राइपॉड, निकाल ले उसमें से अभी, निकाल निकाल। अब आगे यहाँ से कैसे जाएंगे बताएंगे, ये वाले हमारे गार्ड साहब, चाचा गार्ड चाचा। यहाँ की ठंड तो हमारी लगा रही है, सुबह 14 डिग्री था 7 बजे, फिर चेक किया तो 16 डिग्री था, अभी पता नहीं कितने डिग्री। हमारे पास इंटरनेट सेवा बंद है अभी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन कुछ प्लान नहीं है, कल तो प्लान था कि आने वाला यहाँ पे राजकोट। हम दोनों अभी जा रहे हैं मेरे भाई के घर पे। एक अच्छे भैया अभी मिले हैं, उन्होंने बोला कि आगे मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहाँ से हम चले जाएंगे एक लोकल रिक्शा लेके, यहाँ से हमको स्पेशल बात मिलती है ज्यादा बेटर। रिक्शा वाले भैया ने हमको सामने छोड़ा था, अब यहाँ से सीधे जाएंगे तो मेरे भाई का घर आएगा। देख लीजिए यहाँ पे भी हमको रिक्शा मिल गई है, वो भैया अच्छे निकले। यहाँ से अगर स्पेशल रिक्शा बांधते तो 60 रुपये लगता, बट वो भैया हमको यहाँ 20 रुपये में, यहाँ से हम 20 रुपये में वहाँ भेज देंगे। रिक्शा वाले भैया बहुत अच्छे मिल गए, उन्होंने बोला कि पहले मेरे मामा से घर से 20 रुपये एक चौक तक, कौन सा चौक था मालूम नहीं, और वहाँ से यहाँ 20 रुपये, मतलब दोनों के 10-10 और टोटल हुए 40। अगर हम स्पेशल रिक्शा बांधते तो होते हैं 60 रुपये, तो 20 रुपये का अभी हमारा बच गया। ठीक है, अभी जाएंगे कहीं पे मॉल पे भी, बस में जाएंगे, मजा आएगा। एसी बस सिर्फ 10 रुपये में, एसी बस कहाँ भी जाओ, कहीं पे जाओ। रोड क्रॉस करने गए, हुआ ही नहीं हमारे से। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है कम्पेयर टू पोरबंदर, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त यहाँ पे आगे गाड़ी खड़ी है, हम पता है हम आगे खड़े हैं, फिर भी चला रहा है गाड़ी। पकड़, मैं अपने लेस बांध देता हूँ उसको, पता है हम आगे खड़े हैं, फिर भी धीरे 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 करके हमारे ऊपर चढ़ा नहीं दिखा तेरे को। लेंस दे रहा ना मॉल, बैग वेग घर पे रखा और सीधा हम निकल चुके हैं बाहर। आपको पता है कि ये वाला जो मेरा ट्राइपॉड है उसका जो माउंट है वो टूट चुका है, तो अभी आगे हम एक पास में एक गिफ्ट मॉल है, गिफ्ट मॉल है ना, गिफ्ट मॉल है, वहाँ पे जा रहे हैं। अगर वहाँ पे मिल जाता है तो इसका वो भी ले लेंगे माउथ, क्योंकि तो टाइमलेस वाइमलेस का ऐसा ही नहीं आ सकते, इसमें ही रखते हैं, टाइमलेस अच्छे से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया गिफ्ट मॉल था, अंदर से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, वॉचमैन था वो पहले से बोल रहा था कि ये रख दो वहाँ पे, वो रख दो, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। इसका माउंट वहाँ पे था नहीं। खाना खाने के बाद जब भी हम रिलायंस मॉल या कोई भी मॉल में जाएंगे तभी मैं पूछ लूँगा, ये ज़रूरी है बहुत। ऑनलाइन में मंगाना चाह रहा हूँ तो 100 रुपये का मिल रहा है, तो शायद ऑफलाइन 50-60 रुपये में मिल जाए तो अच्छी बात है। और मैं ट्राइपॉड लेने का भी सोच रहा हूँ, पक्का नहीं है, अगर अच्छे भाव में मेरे को गोरिल्ला वाला चाहिए, एक बार मैंने लिया था बट टूट गया था, बड़ा वाला चाहिए, अगर मिल गया अच्छे भाव में तो ले लूँगा मैं मॉल में से, वरना फिर देखते हैं। अभी ऐसा तो व्लॉगिंग चल ही रही है। अब तक जो भी आपने फुटेज देखा मैंने शूट किया था 180-60 FPS पे, मैंने जो भी नॉर्मल कैमरा उससे 64 MP है, बट अभी मैं शूट करूँगा वाइड एंगल से, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मॉल बाई जगह, मॉल में अच्छे से सारा कुछ कैप्चर कर सकेगा, इसलिए मैं इसको शूट करूँगा वाइड एंगल में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दो यार, तो मैं हर व्लॉग वाइड एंगल पर शूट करने का ट्राई करूँगा। अगर अच्छी लाइट होगी तो वाइड एंगल शूट होगा, अगर अच्छी लाइट नहीं होगी तो मैं फिर से वही वाला शूट करूँगा। और अभी हम जिसके घर पर आया है ये वो मेरा भाई, इंस्टाग्राम आईडी क्या है तेरी, ध्रुव रूपारेलिया 07, फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरफ आज मैं पहली बार राजकोट की सिटी बस बोलते क्या बोलते हैं, BRTS में पहली बार सफ़र करूँगा, अच्छी चीज़ है करने के लिए। और जो मैंने 10 रुपये वाला बोला था, 10.5 रुपये ने अलग अलग भाव है, और 8 रुपये 6 रुपये ऐसे ऐसे भाव है। रेडी, इसको यहाँ पे रखना है, स्कैन करना है, जैसे वहाँ पे लाल हो गया, चल हो गया। ये सही है यार, अभी हम रोड के एकदम बीचों बीच यहाँ पे बैठेंगे, आराम से जब भी बस आएंगी जाएंगे।
ज़्यादा दूर नहीं है बट ऐसे ही ट्राई करना था, इसलिए ये इसकी टिकट है। और ये टिकट सिर्फ 7 रुपये की है, यहाँ ही यहीं पे पास में ही जाना है, एक आध किलोमीटर के दायरे में 7 रुपये, मेट्रो जैसा काम है। अगर मैं रिव्यू देना चाहूँ, बहुत अच्छी है, ऐसी पोरबंदर में ज़रूरत है, एक या दो होगी चलेगी, ज़्यादा बड़ा है नहीं पोरबंदर, बट बहुत अच्छी है, मेट्रो जैसा फील आ रहा है। 7 रुपये में है? 7 रुपये में, 7 रुपये में 1 किलोमीटर भी नहीं, हमें भी नहीं गया, मज़ा है। और इसका स्पेशल रोड बनाया गया है, इसलिए ट्रैफिक भी नहीं होती उसकी वजह से, और जल्दी से जल्दी आपको पहुंचा देता है, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार कोई भी मॉल में आ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, चढ़ रहे हैं पहले माले पे जा रहे हैं, अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, देखते हैं। ये कुछ अलग चीज़ है, हमें लगा था बदल गया, मैं एक बार आया हूँ 6th या 7th में था पता नहीं मैं, और ये पूरा माला बंद रहा है, ये पूरा तो पूरा है नहीं, बना हुआ नहीं है, और यहाँ पर नीचे खड़े थे, और मैंने बताया एक्सेलेटर से ऊपर नीचे कर रहे थे, वो ये नीचे यहाँ पे नीचे, अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बदल गया, और यहाँ से 2nd फ्लोर और ऊपर भी जा सकते हैं, कहाँ पर जाना ऊपर? नहीं अभी कुछ बनने नहीं, अभी लग रहा है बिग बाजार में, क्योंकि यहाँ से एक्सेलेटर हुआ करता था, वहाँ पे आए थे याद है तेरे को, ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे, ऐसा कुछ था। सच बताऊँ इतना कुछ खास ज़्यादा था नहीं, अभी आगे सामने कौन सा वाला रिलायंस मॉल में जाता है, वहाँ पे ये बोल रहा है ध्रुव की अच्छा खासा है, मुझे ना ये क्या पता नहीं, लाइट का होगा, लाइट चल मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि सब लोग बोलते हैं चल मॉल चलते हैं मॉल चलते हैं, तो हम जैसे लोग मॉल में जाके करेंगे भी क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे तो घूम के हो गया, बिग बाजार पूरा ख़त्म कर दिया घूमते, अब सामने भूल गया मैं, सामने रिलायंस में जाता हूँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की, लोग रोकते नहीं हैं, कितने भी लोग आ रहे हैं रोक ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पर आ जा, लोग ना रोकते नहीं है, किसी भी चल रहे गाड़ी रोकते नहीं है अपनी, चलने देते, जो भी होता है होने देते हैं, वो सही नहीं है, हमें भी पता आपको जल्दी हो रही है, हमें भी जल्दी हो रही है, बट किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर नॉर्मल हो और पोरबंदर में ऐसा ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। ये वाले मार्केट में जब भी हम एंटर किए तभी उन्होंने ये स्टिकर लगवाया यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसे ही कि रिलायंस मार्केट में गया था ये चीज़, इसलिए मेरे पे भी मार दो, मैं भी आया हूँ रिलायंस मार्केट में। हमने एक बात सोची, अगर यहाँ पे केन पड़े हमने देखे, अगर कोई लेके उठा जाएगा तो क्या होगा? जिप में रख दे। तो लेके कोई उठा नहीं जा सकता, ऐसा स्टिकर इसलिए लगाया कि ये घर से लेके आता है तो ये स्टिकर, अगर यहाँ से लेता है कोई चीज़ तो नहीं होता ना स्टिकर, तो समझ जाता है कि यहाँ से खरीदा हुआ है, इसलिए पैसे उसके देना पड़ता है। अगर कोई सोच रहा है यहाँ से चोरी वोरी करने का, मत सोचना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या ये सीन एक्सेलेटर पर नहीं आया क्या? फिर से नहीं आऊँगा, इसके उतरने के बाद सीन अलग होता है, ऐसा लगता है महंगा माल फूटा है। सिंपल सा कवर देखा मेरे मोबाइल के Redmi Note 8 Pro के लिए, सिर्फ ऐसे ही एक अच्छा हार्ड कवर देखा मैंने, ट्रांसपेरेंट कवर, लग रहा था फोन को सकेदर के रखा और इसको रखा, हाँ क्या समझ नहीं आया, ऐसा बताता हूँ किसको, किसको संभालना किसको है, 250 रुपये का कवर, सिर्फ ट्रांसपेरेंट और थोड़ा हार्ड था, ऐसा ही था पर ट्रांसपेरेंट पर कांच जैसा था, वो टूटता नहीं है वो वाला कांच था, उसके ही 250 रुपये, तो मैं मोबाइल को संभालूं या कवर को संभालूं क्या करूँ? Just sneaking slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. बहुत सारे मोबाइल देखे हैं, सारे चेक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बैठे हैं यहाँ पे ऐसे, थोड़ा थक गए चलते चलते, एक बात है कि यहाँ पे शूट करने से कोई रोक नहीं रहा, शायद मेरे पास इतना ज़्यादा मैं ऊंचा लेके या इतना ज़्यादा दिखा के शूट नहीं कर रहा, ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, ऐसे मोबाइल से चेक करो, इसलिए शायद ट्राइपॉड है मेरे पास पर मैं यूज़ नहीं कर रहा। ये इतना बड़ा फ्रिज 1 लाख रुपये का, 1,07,000, क्या सीन है भाई,
क्या इतना खास क्या है इसमें? चल भाई साहब, बहुत ये इसमें ना मुझे बहुत डर लगता है, और अभी महंगा माल फूकेगा, अभी महंगा माल फूकेगा, अभी महंगा माल फूकेगा ऐसे है। अभी ऐसा लग रहा है महंगा माल फूक के आया है। Harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me, just love me harder. Have no mercy on me, just tell me louder. By the end, suppose to fit me back. उसको जरूर करेंगे भी क्या? हाँ, लेकिन इधर ऐसे बैठेंगे? नहीं नहीं गिर जाएगा, चल चल खड़ा हो खड़ा हो। अभी यहाँ से जा रहे क्रिस्टल मॉल, थोड़ा दूर है इसलिए रिक्शा में जा रहे, बस जाती नहीं है इसलिए। हमारे जो रिक्शा वाले भैया थे, अब जो ट्रैफिक बहुत बढ़ गई थी इसलिए उसको चलाने में तकलीफ हो रही थी, और वो बोले कि सैटरडे संडे को तो ये बाहर वाले ही होता है और फिर ही अब्यूज, इसलिए हम दोनों तीनों के सामने एक आमने सामने देख रहे हो हंस रहे कि यह है हम ही है बाहर से और हमको ही बोलते हैं ये लोग। तो हम घुसे हैं क्रिस्टल मॉल में, ये देखो ये लग रहा है ना कि कोई मॉल में आया, ये वाले सॉरी मैं बिग बाजार में नहीं आया था, ये वाले क्रिस्टल मॉल में आया था, मुझे याद नहीं था, सॉरी गाइस। बीबी ले डाला वहाँ पर, बीबी की एड चल रही थी लेंस कार्ड पे और मैंने शूट किया तो हो गया नॉट अलाउड, बीबी की एड है मैं शूट करूंगा। ऐसा मॉल पोरबंदर में भी होना चाहिए, देखो कितना बड़ा मॉल है, मैंने वाइड एंगल सब कुछ करके आपको दिखा दिया। अबे बैठा क्यों है बे, चल खड़ा हो खड़ा हो, अच्छा नहीं लग रहा, तू गिर जाएगा, चल खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। ये पीछे वाला मॉल कुमलिया पूरा, अभी इसी नहीं है कि टी पोस्ट में जाने का प्लान है, टी पोस्ट थोड़ा आगे 700 मीटर आगे है, तो वहाँ पे जाएंगे बैठेंगे कुछ पियेंगे, अभी हमारे पास एक दो घंटे का टाइम है, कुछ तो करेंगे। दोनों ने चाय पी और मैंने ब्लैक कॉफी मारी है और मैं थोड़ी दम जल गई है, पैसा वसूल था वैसे, अभी चलते हैं घर पे, बहुत घूम लिया। आपको बस नहीं, यहाँ से नहीं मिलती बस, यहाँ से रिक्शा में जाना पड़ेगा, वहाँ से बस मिलेगी। नहीं ये तो हाँ ऐसे चल के ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे। अभी हम क्रिस्टल मॉल से यहाँ तक चल के आए, बीच में रुके थे दो बार, एक बार टी पोस्ट पे रुके थे और फिर एक जगह पे रुके थे, वहाँ पे उन्होंने मेनू दिया, हम निकल लिए बाहर रखे थे बाहर से, यहाँ पे कैसे गाड़ी खड़ी है वैसे बाहर रखा था उन्होंने कुछ भी बैठने का, तो फिर वो लोग आए और उन्होंने मेनू दिया, हम निकल लिए। अभी हम जा रहे हैं इंदिरा सर्कल चल के और वहाँ से हमको रिक्शा मिलेगी बाल भवन की, वहाँ पे कुछ है अच्छा पार्क वार्क तो वहाँ पे घूमेंगे। मेरे पास 7 बजे तक का टाइम है, तब तक कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो इवेंट जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो तभी इवेंट फंक्शन जो भी है क्या बोलेंगे प्रसंग है वहाँ पे जाना। हम जिस चौक पे खड़े थे चल के आए वहाँ पे खड़े थे, मैंने जब भी आपको अपडेट दिया तभी हम खड़े थे वहाँ पे 20-20 रुपए बोल रहे थे बाल भवन के, अभी यहाँ से 10 रुपए से सही है, एक चौक ऐसे ही जरा सा चल के आए 10 रुपए माइनस। बाल भवन में तो एंटर कर लिए हैं, अब आगे यहाँ से कैसे जाएंगे बताएंगे ये वाले हमारे गार्ड साहब चाचा, गार्ड चाचा कहाँ पे जाना है भाई? इधर जाना है आगे, क्या है वहाँ पे? फन स्ट्रिक्ट। चलो यहाँ तक नजर जा रही है और यहाँ पे जहाँ तक जगह नजर जा रही है सारे के सारे जगह पे टिकटॉकर्स बैठे हैं, अपने युवा जो टिकटॉकर्स हैं वो बैठे हैं, सारे का सारा शूट चल रहा है, सारे का सारा जो क्या फोटोग्राफी चल रही है, DSLR से महंगे अवॉइड प्लास्टिक, ये सही है ये करो यार। रेस कोर्स बाल भवन से हम लगभग 3 किलोमीटर चले होंगे, मेरा इसका कवर ढूंढ रहे हैं, इसको भी पता नहीं कहाँ पे शॉप खुली है, अभी बोल रहा है अभी भी 1 किलोमीटर तक चलना है, कहाँ तक जाना है, पैर दर्द कर रहा है। आज पूरे दिन में मैं पहली बार ऐसा हुआ आज पूरे दिन में मैं 10 किलोमीटर चलाऊंगा। फाइनली मुझे मेरा कवर मिल चुका है, ये वाला लिया है, इसमें ये ब्लर है, मुझे ब्लर नहीं चाहिए था, मेरे को एकदम ट्रांसपेरेंट चाहिए था, बट ठीक है अभी ब्लर भी ठीक है, और ये ब्लैक लिया है मैंने,
लग अच्छा रहा है तो मैंने ले लिया, 100 रुपए का लिया है मेरे कहने पे, इसके कहने पे। और यही माल यही कलर सब कुछ सेम मॉल में 250 रुपए वहाँ मिल रहा था लास्ट, 200 रुपए ये 100 रुपए में मिला। फिर से आ चुके वहीं पे जहाँ से हम निकले थे, नहीं यहाँ से नहीं निकले थे, बहुत चला आज हमने। तब फिर से BRT की बस लें आ चुके हैं, यहाँ से हम जाएंगे मेरे भाई के घर, वहाँ से जाएंगे मेरे मामा के घर। यहाँ पे हम थे वहाँ पे यहाँ तक नानावटी चौक आने तक सिर्फ 4 रुपये, 4 रुपये में यहाँ तक आ गए। अभी जाते इसके घर पे, हमारा सामान उठाते हैं और फिर जाते हमारे मामा के घर पे। सारी कुछ चीज़ें मैंने ले ली है इसके घर से, अभी हम जा रहे हैं मावड़ी चौकड़ी, फिर वहाँ से रिक्शा लेके जाएंगे। अब इसको बोलते हैं बाय बाय, तो अब जा सकता है। इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ज़रूर। मेरे मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया है, 6% है, मैंने चार्ज पे लगा दिया है पावर बैंक से। अभी बस आने ही वाली है तो सीधे बस में बैठ जाऊँगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, आपको डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना, बाजू वाला घंटा भी दबा देना और कमेंट करना कुछ अच्छा। और अगली डेस्टिनेशन मैं कहाँ पे जाऊँ वो भी कमेंट करना, मैं प्लान करो, ऐसा मज़ा आता है घूमने में, मेरे को ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। तो कमेंट करो कौन सी डेस्टिनेशन आपको चाहिए आगे। बस आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय टाटा। हे गाइस, मेरा व्लॉग तो वहीं पे एंड कर दिया था, बट अभी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं पहुँच चुका हूँ पोरबंदर, मैं राणावा पहुँच चुका हूँ, अभी 5-10 मिनट में आ जाएगा पोरबंदर। इसलिए ये पूरा मैंने व्लॉग नहीं किया, मैं पूरी ट्रेन में सोया हूँ, इसलिए व्लॉग में चीज़ दिखाई उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट वो मैं कई चीज़ें ऐसी होती जो मैंने शूट नहीं की, कई चीज़ें मैं नहीं डाल पाता, बट बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय, अगले वीडियो में बाय।